तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फनी इंडियंस एड के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई लोग बकचोदी के लेवल के हिसाब से अगर हम इंडियन एड्स को पाकिस्तानी एड से कंपेयर करें तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब हमारी इंडियन एड्स की बकचोदी भी कोई कम नहीं है। मतलब इन टीवी एड्स को देखने के बाद किसी को भी एड्स हो सकता है। नहीं यार, मुझे इन एड्स को देख के एक बात तो कंफर्म हो गई कि भाई कभी कभी ना सुगंधा नाम की लड़की भी पाद मार सकती है। नहीं मतलब देखो ना यार, एड्स के नाम पे लोगों के घर में घुस के लोगों से पूछते हैं, क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं नहीं मतलब शर्म करो भोसड़ी वालों, कल को उठ के तुम ये पूछ लो कि क्या आपके मुंह में दांत है। शॉट रेडी। आपसे नहीं हो रहा है, अब आप रिटायर हो जाइए और घर पे बैठ के अपनी बीवी बच्चों का मेकअप कीजिए। जब दिल को कुछ छू जाए, दर्द हद से बढ़ जाए। आपने उसे स्टार बनाया ऐसे ऐसे, और कितनी गाली खाएंगे आप? मेरा मेकअप कीजिए, मुझे स्टार बनाइए। स्टार बनना तो इसकी जरूरत नहीं, मेकअप तो चुटकी में निकल जाता है। मेरी बेटी को वो खूबसूरती चाहिए जो हमेशा साथ दे। मेकअप मैन की बेटी है, जानो हो हमेशा। जरा सा बदल के बदल दो ये मतलब यही क्या बकचोदी हुई? मतलब टैलेंट की भाई कोई कदर ही नहीं है, बस क्रीम लगा ली और बन गई सुपरस्टार। मैं बता रहा हूँ ये जो फेयर एंड लवली वाली एड है ना, और गोरा करने वाली क्रीम्स की एड होती है ना भाई साहब, ये लोग लॉजिक को इतना इग्नोर करते हैं ना जितना इग्नोर भाई हमारे डोनू अंकल इमरान खान को नहीं करता। और मुझे एक बात नहीं समझती कि ये भूसड़ी वाले गोरा करते हैं एक क्रीम लगा के, चलो ठीक है, लेकिन गोरा होने के बाद नौकरी कैसे मिल जाती है वो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये एड को जरा गौर से देखो। और मंजू तुमने? जी मैं यहाँ की कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो बस क्या भाई साहब, ये बंदी घर जाती है और कलेक्टर बनने के लिए रगड़ रगड़ के क्रीम लगाती है और फिर क्या गोरा होके पहुँच जाती है सरकार के पास। अब क्योंकि मैं गोरी हो गई हूँ तो कलेक्टर की नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर आज की डिप्टी कलेक्टर मंजुला कुमारी जी। एक और एड दिखाता हूँ, देखना फिर आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे चूतिया काटते हैं। इस एड में पहले तो अच्छी खासी लड़की को इन्होंने चुड़ैल जैसा बना दिया, उसके बाद इसको क्रीम देते हैं गोरा होने के लिए, और वो बंदी क्रीम लगा के इतनी गोरी हो जाती है कि उसके बालों का रंग भी बदल जाता है। You serious? रौनक लाइए सिर्फ 9 सेकंड में, फॉरेन पासपोर्ट ऐसा ही मैम। तुसी की कह रहे हो जी? निकल ठंड की लॉरी। और भाई साहब हद तो तब हो गई जब इन एड्स वालों ने क्रीम से नहीं बल्कि लाइट बल्ब से गोरा होने वाली एड बना दी। बेटे कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ मेरी त्वचा। दीदी इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए तो ये लो। ये साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। जब एक स्वर कीचड़ से लिपटा होता है तब भी वो स्वर होता है, और जब वो स्वर सफा चट बैठा हो तब भी वो स्वर ही होता है। वंस अ स्वर ऑलवेज अ स्वर। शराब पीने के बाद कभी ड्राइव मत कीजिएगा। शराब के नशे में आप किसी मासूम को मार सकते हैं और खुद भी मर सकते हैं, इसलिए शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना बंद कीजिए। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। हाँ क्यों नहीं भूसड़ी वाले, ये शराब पी के हम मर जाएंगे और ये गुटखा खा के हम जैसे कि अमर हो जाने वाले हैं। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। अरे घंटा मेरा स्वाद में सोचे, स्वाद में सोचनी कैंसर है, कैंसर वो भी मुंह का कैंसर, मैं सबको बता देता हूँ। खैनी पान गुटका पान मसाला सब जानलेवा है। कुछ लाइफ में अच्छा करो,
अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। और हाँ, ये एड्स वाले गुटका सादे सुधे आदमी से नहीं बिकवाते, ये तो भाई शाहरुख खान, लोगों को उंगलियां करता हुआ अजय देवगन, सनी लियोनी, और इन लोगों ने तो भाई जेम्स बॉन्ड को भी नहीं छोड़ा। और भाई साहब एड में ये लोग गुटका खाने वाले लोग इतने अमीर दिखाते हैं जैसे कि वो किसी अंबानी के रिश्तेदार हो। जो मुझे मिल गया, स्वाद जो है महक भरा, रिश्ता जुड़ा एक उम्र का मेरा राजवा। जिंदगी तो ऐसी हो, जिंदा तो झाड़ के बाल भी। लेकिन असलियत में देखा जाए तो भाई गुटखा खाने वाले लोग कुछ ऐसे होते हैं। लगता है मुझे ये, ओ, 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 लगता है मुझे ये जुदाई मार डालेगी, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी। काम लाओ करती रहती हूँ, कभी अपने जानों की बात माना करो। नरेश, नरेश, सुरेश। बहुत दिनों बाद, कैसा है यार? बस फर्स्ट क्लास। ए, ये क्या कर लिया, तोंद-तोंद बढ़ा लिया। अच्छा, बहुत दिनों से तो घर नहीं आया, चल घर चल। अभी यार नहीं, कुछ काम है। अभी चलना यार, प्लीज घर चलना, चलना यार। कभी यार। क्या फिर कभी, अभी चल। चल एक बार बोला ना, चल मतलब चल। चल अंकल। ए, चल। अच्छा है ना, ग्रीन लैम लैमिनेट्स दिखाने का जी करे, फिर आना जरूर। भाई साहब ऐसे कौन फर्नीचर दिखाता है, ये क्या लॉजिक लगाया भाई? मतलब टीवी एड्स वालों, मैं बता रहा हूँ, मारूंगा, बहुत मारूंगा तुम लोगों को। अगर मिल गए ना मेरे को तो तुम लोगों को सच में बहुत मारूंगा।